अभी मैं घर आ गया हूँ और मैंने आपको जो जो चीजें दिखाई थी वो मोहम्मदी रोड में सब अभी मेरे सामने रखी है। पहली वो है फ्रेंड्स, ये है जेजे की काली जलेबी। इसे जेजे की काली जलेबी कहते हैं लेकिन इसे बुरहानी जलेबी भी कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जलेबी जो है ये आपकी मामूली जलेबी नहीं है, ये मावे से बनी गई। इंडिया में मावे की जलेबी बहुत कम मिलती है। दूसरी डिश है हिंदुस्तान छोटे कबाब। यस फ्रेंड्स, हिंदुस्तान छोटे कबाब बहुत फेमस है फ्रेंड्स, वहाँ पे लोगों की लाइन लगती है सुबह से लेने के लिए, और कभी कभी अगर आप अनलकी हो तो आपको नहीं भी मिलेगा। तीसरा चीज़ है फ्रेंड्स, शालीमार का फेमस फालूदा। जैसे आप देख सकते हो शालीमार का जो फेमस फालूदा है वो फ्रेंड्स बहुत ही फेमस है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स उसमें जो है दूध वो यहाँ से रहता है, यहाँ पे सिरप रहता है, उसके बाद ओला रहता है, क्रीम और आइसक्रीम। जो पूरे इंडिया में कॉन्सेप्ट है फालूदा का वो बहुत गलत है। बस दूध डाल दिया, कुछ कलर फ्लेवर ऐड कर, ऐसा फालूदा नॉट अ रियल फालूदा। जब भी आप मुंबई आओ शालीमार का फालूदा खाना मुझे ज़रूर याद करना। चौथी चीज़ फेमस चिकन रोल ऑफ मोहम्मदी रोड। यस फ्रेंड्स, ये चिकन रोल है, देख सकते हो इसमें चिकन है और अंडे की एक लेयर है, बहुत फेमस है। लेकिन फ्रेंड्स जो चीज़ आपको देखनी है आपको दिखा रहा हूँ, संजू बाबा चिकन आप लोगों ने मैंने देखा, मैंने वहाँ खाया था, आपको मैंने इसकी फोटो भी दिखाई। ये है तो फेमस वाइट चिकन बिरयानी। तो फ्रेंड्स अभी मैं खाना स्टार्ट करने वाला हूँ, ना टाइम ना वेस्ट करते, पहले हम खाएंगे वेरी फेमस चिकन रोल, लेट्स सी कैसा है। अमेजिंग फ्रेंड्स, आई मीन वाओ। चिकन रोल का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ, जैसा काटी रोल वैसा चिकन रोल। कोलकाता काटी रोल जो रहता है बहुत ही गंदी तरीके से बताया जाता है, मैं ब्लेम नहीं करूँ, लेकिन अंडे की लेयर देखो फ्रेंड्स, और ये कितना अच्छा मैदे का रोल बनाया उसने, अंदर देख सकते हो आप। अंदर चिकन सिर्फ 40 रुपीज का है, बाहर आप खाओ रैप्स एंड रोल या कोई फ्रैंकी कॉर्नर में टिप्स बनाता है 100 रुपये में आपको कचरा देता है। इट्स सीरियस अमेजिंग। तो फ्रेंड्स दूसरी चीज़ है हिंदुस्तान छोटे कबाब, ये डजन के हिसाब से मिलते हैं, एक दर्जन दो दर्जन, तो खा के देखते हैं। बहुत बेहतरीन छोटे से कबाब्स है और उसे पाँव का खाते, लेकिन मैं इसको ड्राई खाऊंगा। फैंटास्टिक, पसीना आ गया फ्रेंड्स खाकर, एब्सोल्युटली क्रेजी। और नाउ द टाइम इज फॉर द संजू बाबा वाइट चिकन बिरयानी। ये नहीं भी संजय दत्त की नहीं है, लेकिन होटल में काफ़ी फेमस है तो वाइट बिरयानी। फ्रेंड्स वाइट बिरयानी में क्या है, वाइट बिरयानी में मलाई राइस है, चिकन के फ्लेक्स है, और ये बहुत ही डिफरेंट बिरयानी इंडिया में आपको सिर्फ मिलेगी नूर मोहम्मदी होटल में। तो हम खाने वाले अभी है। बासमती राइस जो केवड़े का स्मोक दिया है फ्रेंड्स, बेहतरीन इलायची भी डाली है, 100 रुपये में बिरयानी इतना बड़ा, फैंटास्टिक। तो फ्रेंड्स अब हम खाने वाले हैं शालीमार का फालूदा, मैं तो रुका नहीं जा रहा है। ये पहले से सबसे पहले मिक्स करना पड़ता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मिक्स कर लो, फिर मिक्स होने के बाद नेक्स्ट टेस्ट शालीमार फालूदा। वाओ, फालूदा लवर्स, शालीमार मुंबई में बहुत जगह, मैंने थैली का वीडियो दिखाया आपका, स्क्रीनशॉट ले लो, गो टू दिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मावे का जलेबी, लेट्स ईट दिस। इतना मावा। तो फ्रेंड्स ये था मोहम्मदी रोड की मीनारा मस्जिद का ब्लॉग, ऐसा ब्लॉग आपको किसी ने दिखाया नहीं होगा, क्योंकि सारे ब्लॉगर वहाँ जाकर आपको सिर्फ खाना दिखाते हैं, वहाँ खाना टेस्ट करके तो कोई बताता नहीं, खाने का असली टेस्ट क्या होता है ये मैंने आपको दिखाया है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आमिर अंसारी, खानों के अलावा फिल्मों के रिव्यू भी देता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपको एक अलग एपिसोड में, टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड दिस वीक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी जाओ यार खाने दो, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।